आज हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। विस्तार से एक अच्छी लाइन है मगध के बारे में कि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी तार तार करके रख देती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी तार तार करके रख देती है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं आज मगध, है ना। मगध शक्तिशाली होने के कारण, है ना, मगध शक्तिशाली होने के कारण। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मगध शक्तिशाली होने के कौन कौन से कारण थे, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मगध को आधुनिक समय में बिहार कहा जाता है, अभी वर्तमान समय में बिहार है, है ना। बाकी मगध का जो क्षेत्र था वो विस्तृत था, बहुत फैला हुआ था, है ना। तो किसी एक पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग मगध नहीं कहते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसको भी हम लोग मगध कहते हैं। झारखंड भी मगध के अंदर में था, है ना। तो जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, मगध शक्तिशाली होने के कारण। आखिरकार जो मगध था वो शक्तिशाली क्यों था, वो ताकतवर क्यों था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट में है मगध शक्तिशाली होने के निम्न कारण है, है ना। मगध शक्तिशाली होने के निम्न कारण है, मगध शक्तिशाली होने के निम्न कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला बिंदु में देखेंगे हम लोग, मगध में लोहे की खाने मौजूद थी। मगध में लोहे की खाने मौजूद थी जिसके मदद से यहां अच्छे औजार का निर्माण शुरू हुआ, जैसे रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये हथियार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो बिंदु कहता है, सबसे पहला पॉइंट जो कहता है, वो कहता है कि मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि यहां पर लोहे की खाने मौजूद थी। कहां पर? मगध के क्षेत्र में, है ना, जिसके कारण मगध के क्षेत्र में अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण होना शुरू हो गया, जैसे रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये दोनों के दोनों हथियार थे। कब के हथियार थे? मगध क्षेत्र के, है ना, मगध साम्राज्य के ये दो महत्वपूर्ण हथियार थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक, है ना। तो जब अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण होता तो मगध के सैनिकों के पास अच्छे अच्छे हथियार जाते, जिसके कारण क्या होता कि अगर दुश्मन कोई मगध के क्षेत्र पर हमला करता तो ये अच्छे हथियारों से उनका जवाब दे सकते। कहां के सैनिक दे सकते? मगध के सैनिक दे सकते। तो यही पहला बिंदु लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, मगध में लोहे की खाने मौजूद थी, है ना। मतलब मगध का जो क्षेत्र था यहां पर लोहा का विस्तार है, यहां पर लोहे की खाने बड़े स्तर पर मौजूद हैं, है ना, जिसके कारण यहां पर अच्छे अच्छे औजारों का निर्माण होना शुरू हो गया। कहां पर? मगध के क्षेत्रों में, है ना, मगध साम्राज्य में। तो यहां पर जो पहला हथियारों का जो निर्माण हुआ था उसका नाम था रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये दो महत्वपूर्ण हथियार थे मगध साम्राज्य के शासकों के पास, मगध साम्राज्य के सैनिकों के पास, है ना, जिसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मगध शक्तिशाली होने का पहला कारण क्या था, क्योंकि यहां पर बड़े स्तर पर लोहे के खाने मौजूद थी, जिसके माध्यम से यहां पर अच्छे अच्छे औजारों का निर्माण करना शुरू हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप समझ लिए होंगे। दूसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मगध में अत्यधिक मात्रा में हाथी मौजूद थी। मगध में अत्यधिक मात्रा में हाथी मौजूद थी जो झारखंड के जंगलों से मंगाया जाता था। इन हाथियों का प्रयोग
मगध के सैनिक करते थे, है ना। इन हाथियों का प्रयोग मगध के सैनिक करते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मगध शक्तिशाली होने का दूसरा कारण यहां पर सामने आ गया, है ना। दूसरा कारण क्या कहता है कि मगध में अत्यधिक मात्रा में क्या था, हाथी मौजूद था। मगध में अत्यधिक मात्रा में हाथी मौजूद था। इन हाथियों को कहां से मंगाया जाता था, झारखंड के जंगलों से। हम झारखंड के जंगलों से मंगाया जाता था। अब इन हाथियों का प्रयोग जो है वो कौन करते थे, तो मगध के सैनिक करते थे, है ना। तो मगध के सैनिकों के पास हाथियां मौजूद हो गया, जिसके कारण अब मगध के सैनिक कहीं भी अगर हमला करने के लिए जाएंगे तो वो हाथियों पर बैठकर हमला करने की कोशिश करेंगे, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। तो मगध शक्तिशाली होने का दूसरा कारण है कि मगध के क्षेत्र में हाथियों का बड़ा ही, है ना, हाथियों का बड़ा हुजूम था जो झारखंड के जंगलों से मंगाया जाता था। अब इन हाथियों का प्रयोग कौन करते थे बेटा, तो इन हाथियों का प्रयोग मगध के सैनिक करते थे। किसके खिलाफ करते होंगे, तो दुश्मनों के खिलाफ करते होंगे, है ना। तो मगध के सैनिक जो है वो हाथियों का उपयोग करते थे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए करते थे। अब इन हाथियों को कहां से मंगाया जाता था, झारखंड के जंगलों से मंगाया जाता था। कहां से मंगाया जाता था बेटा, झारखंड के जंगलों से मंगाया जाता था। तो मगध शक्तिशाली होने का दूसरा कारण है कि यहां बहुत मात्रा में हाथी मौजूद था जो झारखंड के जंगलों से मंगाया गया था, मंगाया जाता था। इन हाथियों का प्रयोग मगध साम्राज्य के शासक एवं सैनिक किया करते थे, है ना। समझ में आया नहीं समझ में आया, चलिएगा। अगर हमको कहीं भी जाना है लंबी दूरी, तो हाथी पे बैठेंगे चले जाएंगे। अगर हमको दुश्मन से लड़ना है तो हम हाथी पे बैठेंगे और वहां से हथियार चलाएंगे, तो जो नीचे होगा बैठती वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मगध शक्तिशाली होने का दूसरा कारण है कि यहां बड़े स्तर पर हाथी मौजूद थे, जिनका उपयोग मगध के सैनिक एवं शासक करते थे अपने दुश्मनों के खिलाफ। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपके बीच, है ना, अगला पॉइंट है मगध में सर्वप्रथम अस्थाई सेना का प्रयोग किया गया, है ना। मगध में जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सर्वप्रथम अस्थाई सेना का प्रयोग किया गया, है ना। मतलब अब मगध के पास अस्थाई सेना आ गया, स्थिर सेना आ गई। अब इन सेनाओं का फेरबदल नहीं किया जाएगा। अस्थाई सेना के रूप में मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम सेना स्थापित की गई थी, है ना। तो मगध में सर्वप्रथम अस्थाई सेना का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला पॉइंट है मगध की भूमि उपजाऊ थी। जो मगध क्षेत्र का जो भूमि था, जो बिहार झारखंड क्षेत्र का जो भूमि था, यह भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। कारण पाटलिपुत्र मगध की जो दूसरी राजधानी थी वो तीन महत्वपूर्ण नदियों से घिरी हुई थी, गंगा, सोन और गंडक, है ना। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। मगध की भूमि, है ना, मगध की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ का मतलब यहां की भूमि अधिक फसलों का उत्पादन करती थी बड़े स्तर पर, है ना। मगध की भूमि उपजाऊ थी। कारण क्या था, जो पाटलिपुत्र है ये मगध की दूसरी राजधानी थी। मगध की दूसरी राजधानी कौन था बेटा, पाटलिपुत्र। मगध की दूसरी राजधानी कौन था बेटा, पाटलिपुत्र। मगध की दूसरी राजधानी कौन था बेटा, पाटलिपुत्र था, है ना, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र किसको बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पटना को बोला जा रहा है। पाटलिपुत्र किसको बोल रहे हैं, पटना को बोल रहे हैं, पटना को बोल रहे हैं, ना। इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने की थी। तो सीधा सीधी सी बात आपको समझ में आ गया कि मगध की भूमि उपजाऊ थी। कारण क्या था कि मगध की जो दूसरी राजधानी थी, वो तीन महत्वपूर्ण नदियों से घिरी हुई थी, है ना। तीन महत्वपूर्ण नदियों से घिरी हुई थी, गंगा, सोन और गंडक। इन तीन नदियों से घिरी हुई थी। कौन, पाटलिपुत्र, पटना घिरा हुआ था, है ना।
अब ये जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये जलोढ़ मिट्टी से क्या है, निर्मित होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना। खादर और बांगर भी आप लोग सुने होंगे। तो ये सारी की सारी जो मिट्टियां हैं, ये गंगा सोन और गंडक के किनारे मौजूद थी। अब इन नदियों के किनारे में अगर जब फसल का उत्पादन किया जाता, जलोढ़ मिट्टी में जब फसलों का उत्पादन किया जाता, तो मगध साम्राज्य के लोगों के पास, मगध साम्राज्य में जो लोग थे वो अत्यधिक फसल का उत्पादन करते थे, जिसके कारण जो मगध था वो शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ के लोग कृषि बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। यहाँ के लोगों के पास अच्छी फसल होने के कारण ये दूसरे देशों में भी फसल को बेचने का काम करते थे और इससे आय कमाते थे। तो सीधी सीधी सी बात है, मगध की भूमि उपजाऊ थी। कारण क्या था कि मगध की जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये तीन नदियों से घिरी हुई थी। कौन कौन? गंगा, सोन और गंडक, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो भूमि मौजूद थी वो जलोढ़ मिट्टी मौजूद थी। और जब जलोढ़ मिट्टी में फसल का उत्पादन किया जाता है तो बड़े स्तर पर फसलों का उत्पादन होता है ना। चलिएगा अगले पॉइंट की ओर चलते मेरे प्यारे बच्चों। मगध की दूसरी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र याद रखिएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि मगध की पहली राजधानी गिरिवरज थी, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां शत्रु दुश्मन आसानी से घुस नहीं पाते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजगिरा किसको बोला जा रहा है? तो राजगिरा बोला जा रहा है राजगीर को। किसको बोला जा रहा है? राजगीर को बोला जाता है। राजगिरा का मतलब होता है राजा का घर, है ना। राजगिरा का मतलब होता है राजा का घर। राजगिरा का मतलब क्या होता है बेटा? राजा का घर होता है, राजा का घर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सीधा सीधी चौथा पॉइंट क्या कहता है कि मगध की पहली राजधानी राजगिरा, गिरिब्रिज या राजगीर थी, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां शत्रु दुश्मन आसानी से घुस नहीं पाते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मगध की पहली राजधानी कौन थी? राजगिरा या राजगीर। राजगीर जो चारों तरफ क्या था? पहाड़ों से घिरा हुआ था, है ना। अब पहाड़ों से घिरे होने के कारण मगध के क्षेत्र पर दुश्मन आसानी से घुस नहीं पाते थे, जिसके कारण मगध क्या था? शक्तिशाली था। माना कि मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा समझाते, यहां स्पेस खाली है, कि ये मगध का पर्वत है और राजगीर में आप गए होंगे, देखे होंगे चारों तरफ से क्या है? पहाड़ ही पहाड़ है। अब पहाड़ है ना, अब घुसना क्या है? दुश्मनों को घुसना इतना आसान नहीं है। अब चारों तरफ से पहाड़ है, ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ है, ठीक है। अब इन पहाड़ों के ऊपर मगध के सैनिक है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अगर घुसेगा तो नीचे से ही घुसेगा ना, तो मगध के सैनिक क्या करते थे? यहां से पत्थर को लुढ़का देते थे। अब लुढ़का देने के कारण जो दुश्मन घुस रहे थे वो नीचे ही क्या है, डेथ हो जाता था, उनकी मृत्यु हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बातें थी। तो मगध शक्तिशाली होने का जो कारण था, वो पहला चौथा कारण क्या था कि मगध की जो राजधानी राजगीर थी, पहली राजधानी जो राजगीर थी, वो चारों तरफ पहाड़ियों से क्या थी? घिरी हुई थी, जिसके कारण दुश्मन आसानी से घुस नहीं पाते थे, जिसके कारण मगध शक्तिशाली था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका मगध, है ना, ये अगला पॉइंट है, ठीक है, ये अगला पॉइंट है, मगध के राजाओं का कुशल नेतृत्व होना एवं पड़ोसी राज्यों के शासकों से बेहतर संबंध स्थापित करना, है ना। पांचवा कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि मगध के जो राजा थे वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपों में कुशल थे, है ना। वो जो निर्णय लेते थे वो कुशल तरीके से निर्णय लेते थे, समाज के लिए निर्णय लेते थे, मगध साम्राज्य के लोगों के लिए निर्णय लेते थे। उसके साथ साथ मगध के जो राजा थे
वो आस पड़ोस के शासकों से भी इनका संबंध बेहतर था, है ना। जो मगध के राजा थे वो आसपास के राजाओं के साथ भी संबंध को बेहतर रखते थे, जिसके कारण कुशल क्षेमा होने के कारण मगध साम्राज्य जो है ना, इसको दुश्मनों से बचाया जा सकता है ना। मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ अगर हमारा दोस्ती है, तो अगर कोई हम पे बाहरी अगर हमला करेगा तो हम पड़ोसी राज्यों से सहायता मांग सकते हैं, जिसके कारण है ना मगध साम्राज्य और शक्तिशाली हुआ, क्योंकि मगध साम्राज्य के शासक जो है वो आस पड़ोस के जितने भी राजा हैं उनसे बेहतर संबंध स्थापित करने का काम किया, है ना। कोई भी समस्या होने पर मगध साम्राज्य के शासकों ने पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ, है ना, पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ, है ना, क्या किया बताओ, क्या किया जी, सहायता मांगने का काम किया। तुम लोग समझता नहीं है ससुरा, बहुत मारेंगे। चलिएगा, अगला टॉपिक है, तुमको समझ में आया जी, ठीक है। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मगध साम्राज्य के जो सैनिक थे वो लगभग 1.5 लाख के करीब थे, है ना, जिसके कारण यहाँ का सैनिक व्यवस्था जो था मगध साम्राज्य का वो बहुत मजबूत था। बात सुन आया जी डॉली कुमारी, हाँ ठीक। डाक व्यवस्था का प्रसार होना, है ना, मगध साम्राज्य में डाक व्यवस्था भी क्या था, मौजूद था, ठीक है, जिसके कारण सूचनाओं का प्रसार प्रसार तुरंत किया जा सके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब कारणों से मगध साम्राज्य जो था वो शक्तिशाली था। चलिए, समझ में आया जी, चलो कोई बात नहीं है।